धन को अर्जित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस धन से सुख प्राप्त करना है। तो अगर वो धन भगवान की सेवा में दान ना दिया जाए, ऐसा धन अपने साथ कर्मों को लेकर आया है, ऐसा व्यक्ति ऐसे धन को डाइजेस्ट नहीं कर पा, कभी कोई छीन कर ले जाता है, कभी कोई कोर्ट केस में ले जाता है, कभी कोई डॉक्टर ले जाता है, अनावश्यक स्थानों में जाएगा, जो नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे वो जाएगा। बेहतर है भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान वामन देव बलि महाराज के सामने प्रकट हुए, सब कुछ हर लिया दो पगों के अंदर, तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी आकर कहते हैं, भगवान बलि ने सब कुछ दे दिया, फिर भी आप इसे बंदी बनाकर बैठे हो यम पाश के अंदर, अपने वरुण पाश के अंदर क्यों बंदी बनाकर बैठे हैं आप, जबकि सब कुछ अर्पित तो कर दिया बलि ने आपको। तो भगवान कहते हैं, मैं पूरे संसार को दिखाना चाहता हूं, मैं ही देने वाला और मैं ही लेने वाला हूं। तो उन लेने वाले और देने वाले को अगर ना दें तो फिर ये धन हमें पछता नहीं। इसीलिए लक्ष्मी को कोई भोग नहीं सकता। लक्ष्मी को जब तक भगवान की सेवा में ना लगाया जाए वो पवित्र नहीं हो सकती। इसीलिए धन का मन के साथ संबंध है। धन का मन के साथ क्या संबंध है? जो धन भगवान की सेवा में नहीं लगेगा वो मन को विचलित करेगा, वो मन को अशांत रखेगा। तो अगर मन को शांत रखना है तो धन को क्या करना है? भगवान की सेवा में अर्पित करना है।